दोस्तों, अब बात शमशाद जी की, शमशाद बेगम। शमशाद जी ने संगीत की कोई शिक्षा, बाकायदा तालीम तो नहीं ली थी, लेकिन सिर्फ अपनी सुरीली रस भरी आवाज के दम पर उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। घर में माँ बाप शमशाद को गाने के लिए मना करते थे, चाचा का सपोर्ट था। चाचा जान चाहते थे कि शमशाद हुनर को आगे बढ़ाए। एक दिन चाचा जान को उनके दोस्तों ने सलाह दी कि वो अपनी भतीजी शमशाद को ग्रामोफोन कंपनी ले जाएं, शायद वहां कुछ बात बन जाए। उन दिनों लेजेंडरी संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर उस कंपनी में ही थे। मुलाकात हुई। शमशाद की तारीफ सुनकर गुलाम हैदर ने उनसे एक स्थाई गाने को कहा। छोटी सी शमशाद कुछ समझ नहीं पाई, बस टुकुर टुकुर कंफ्यूजन की हालत में एक टक मास्टर जी को देखती रहीं। गुलाम हैदर ने कहा, बेटा स्थाई गाओ। तो शमशाद जी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि ये क्या होता है। शमशाद के सवाल पर गुलाम हैदर अचरज में पड़ गए और फिर समझाते हुए बताया कि किसी गाने की पहली लाइनों को स्थाई कहते हैं। तो शमशाद जी बोली, ओह मतलब गाने का मुखड़ा। फिर शमशाद ने गाना शुरू किया तो बीच में ही मास्टर जी ने उन्हें रोक दिया। शमशाद को लगा कि शायद उनका गाना पसंद नहीं आया, पर मास्टर गुलाम हैदर ने कंपनी के मैनेजर को बुलाया और कहा कि इस बच्ची के साथ एक दर्जन 12 गानों का एग्रीमेंट कर लो। इतनी जल्दी इस तरह मन की मुराद पूरी हो जाएगी, ये बात शमशाद और चचा जान ने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। पर मास्टर गुलाम हैदर को हीरे की पहचान हो चुकी थी और शमशाद के मुंह से सुर निकलते ही उन्होंने अंदाज लगा लिया कि आवाज सुनने वालों के दिलों पर जादू चला देगी। शमशाद बेगम का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड जब रिलीज हुआ, तब पंजाब से उठे उस तान की सरगम ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरफ खींच लिया। रातों रात जैसे कोई करिश्मा हो गया हो। शमशाद बेगम का संगीत का सफर शुरू होते ही बुलंदी पर पहुंच गया। शम्मी कपूर अपने स्कूल में फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे। एक मैच के दौरान दो लड़कियों के चक्कर में अपनी ही टीम को 7 गोल से हरा बैठे। क्यों, कैसे, थोड़ी देर में सुनाऊंगा। आप सुनते रहें हमारा ये शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।